और अब रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को मिली संजीवनी की। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र में बीते साल हुई शिवसेना की बगावत पर अपना फैसला सुनाया है, जिसके बाद एकनाथ शिंदे सरकार बच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लो टेस्ट का सामना नहीं किया, उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया था। ऐसे में कोर्ट न तो इस्तीफे को रद्द कर सकती है और न ही पुरानी सरकार को बहाल कर सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट को भी गलत ठहराया और कहा कि शिवसेना के 16 बागी विधायकों पर अब स्पीकर को जल्द फैसला करना चाहिए। कोर्ट के फैसले के बाद शिंदे गुट के समर्थकों ने जश्न मनाया। लड़ाई तो आज शुरुआत हो गई है। मैंने जैसे अभी अभी आपको कहा, जब हम अंदर बात कर रहे थे तो एक जला शुभ शकुन असं म्हणतो कि इतने दिनों से हमारी लड़ाई चल रही थी सर्वोच्च न्यायालय में, आज आप भी आ गए और वो निर्णय भी आ गया। इस देश में अब प्रजातंत्र, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता, तो शायद वो मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है। और भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है। ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं, उनको घर भेजेंगे और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। आज आखिर में सत्यमेव जयते कहते हैं, सत्य का विजय हुआ है और सर्वोच्च न्यायालय में जो महाराष्ट्र सरकार की जो केस थी उसमें ये सरकार जो है हमने गठित किया हुआ शिवसेना भाजपा का, वो कानूनी तौर से घटनात्मक दृष्टि से योग्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के मामले में जो डिसीजन दिया है उस पर हम पूर्ण तरीके से संतोष व्यक्त करते हैं और अब किसी को भी ये शंका नहीं होनी चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार पूर्णतः संवैधानिक है, पूर्णतः लीगल है और ये पूरे संवैधानिक ताकत के साथ यहां पर कार्य कर रही है। तो महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपने दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया सुनी। इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की सियासत अब क्या नया मोड़ लेगी, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी। सेना बनाम सेना की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में आज आखिरी चरण पर थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कई ऑब्जर्वेशन दिए। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि जो विधायकों के निलंबन का मामला है वो सिर्फ और सिर्फ असेंबली स्पीकर डिसाइड कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी इसको भी डिसाइड करने का सिर्फ और सिर्फ स्पीकर को ही अधिकार है। वहीं साथ में जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ और उसमें गवर्नर ने किस तरीके से रोल अदा किया उस पर भी तीखी टिप्पणी की है। गवर्नर को राजनीतिक हस्तकंडे नहीं अपनाने चाहिए थे। वहीं विश्वास मत का प्रस्ताव का लेटर गवर्नर को नहीं लिखना चाहिए था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि ये पार्टी का अंदरूनी मामला था। वहीं कहीं शिवसेना एमवीए से बाहर नहीं आ रही थी और संवैधानिक मापदंड से ऐसा निर्णय लेना चाहिए था और गवर्नर को अपनी सूझबूझ से यह निर्णय लेना चाहिए था, जबकि उन्होंने ये राजनीतिक निर्णय लिया जो सरासर गलत था। साथ ही साथ जो चीफ व्हिप भरत गोगावले जो शिंदे फैक्शन से अपॉइंट किए गए हैं, जिसको स्पीकर ने मान्यता दी, वो पूरी तरह इल्लीगल है। और लास्ट में जो ऑब्जर्वेशन रहा, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अगर उस वक्त जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, वो
अपना इस्तीफा नहीं देते तो आज सुप्रीम कोर्ट उनकी गवर्नमेंट फिर से एक बार रीइंस्टेट कर भी सकती थी। उनके इस्तीफे के बाद गवर्नर ने बीजेपी को बहुमत सिद्ध करने के लिए बुलाया, वो अपने तरीके से संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने सही किया। हालांकि ये था ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने आज दिए ये बड़े फैसले में, लेकिन राजनीतिक गलियारों में आरोप और प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। शिवसेना के संजय राउत ने नैतिकता के आधार पर दोनों शिंदे और फडणवीस का इस्तीफा मांगा, वहीं शिंदे और फडणवीस ने कहा कि आपकी नैतिकता कहाँ गई थी जब आपने इलेक्शन तो हमारे साथ लड़ा बीजेपी के साथ, लेकिन आपने सरकार एनसीपी और कांग्रेस के साथ बनाई। लगातार सियासी पारा महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है, लेकिन शिंदे फडणवीस सरकार को किसी भी प्रकार का डर नहीं है और संवैधानिक वैधता आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दे दी है।